मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में मां बंगलामुखी जी के नियमित श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में मां बंगलामुखी धाम के मुख्य सेवादार नवजीत भारद्वाज की देखरेख में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान उदय एवं मोनिका से सपरिवार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, घट स्थापन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। दिव्य हवन यज्ञ सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सबके प्रति दयावान व्यक्ति ही ईश्वर का प्रिय हो सकता है। मनुष्य के सभी भावों में दया भाव ही सर्वोत्तम है, यही मनुष्य का सर्वोपरि गुण है। ये ऐसा व्यवहार है जो दूसरों के लिए उदारता, लिहाज और दूसरों के प्रति अच्छी सोच पैदा करता है। इस गुण वाले को प्रशंसा पाने और प्रतिफल की कोई उम्मीद नहीं रहती है। मनुष्य का धर्म चाहे कुछ भी हो, असल चीज है आचरण। अगर वह आचरण की शुद्धता में विश्वास करता है और सबके प्रति अनुकंपा का भाव रखता है तो अवश्य ही वह व्यक्ति ईश्वर का प्रिय हो सकता है। इस अवसर पर रोहित भाटिया, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, हितेश मेहता, समीर कपूर, बाबा जोशी, अशोक शर्मा, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, संजीव, बाबा खन्ना, सलिल, दिशांत शर्मा, राकेश, अवतार सैनी, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, रजनी, रिंकू सैनी, ईशु वर्मा, अश्वनी, जगदीश, केतन शर्मा, प्रताप, संजय, अभिलक्ष्य चुग, सौरभ, गुरप्रीत सिंह, दीपक, मुनीष, रवि, हेमंत, अनुज, भारत, तरनवीर, राजू, मंजू, मुनीश, रवि, हेमंत सहित भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुलमोर सिटी विच हर वीरवार नूं निशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता। सवेरे 6:30 बजे तो 7:30 बजे तक कोई भी महानुभाव प्रभु भगत आके ये शामिल हो सकता है। और साढ़े सेवादारा वालों एक कारवत प्रार्थना है कि आप तो आओ ही आओ, अपने मित्रगण संबंधियों पहुंच के महामई के दरबार से हवन यज्ञ शामिल हो। और इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि कल शिवरात्रि का पर्व है, मंदिर रुद्राभिषेक लगातार सारा दिन चलेंगे, कोई भी उदे विच शामिल हो सकता है और आगे अपना नाम सानू लिखवा दे तां जो उदे लोड़ीदी समगरी का अरेंज किया जा सके। जकारा बंगला मुखी माता जी का बहुत साचे दरबार की जय।